नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. दिस प्रोनाउन सजेस्ट समथिंग नॉन स्पेसिफिक और अननोन. समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खखड़ा रहा है, तो वो कोई कौन है, नोबडी नोज. नाउ सेम वे आई हैव टू से समथिंग या आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. तो एक कुछ यानी कि ये क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक है. सो जब हम कोई नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ऐसा इंट्रोगेटिव का नाम ही इंट्रोगेटिव मीन्स ये एक क्वेश्चन पुट अप करने के लिए यूज किए जाते हैं. लेकिन इसके अंदर जो हमें शो करना होता है, जो वर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है, ये किसी न किसी नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल किसने बनवाया या बनाया, ये क्या शो करते हैं, किसी यानी कि हम किसी पर्सन का नाम पूछ रहे हैं. तो पर्सन का नाम क्या होगा, नाउन तो होगा, और नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट डू यू टेक इन द मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट, आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, तो ये जो खाते हैं, जो चीज आप खाते हैं, वो कोई ना कोई नाउन तो होगा. सो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस हिसाब से यूज करते हैं, यानी कि जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ उसी को हम ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और हर एक प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, वी आर सेल्फ, दे देम सेल्फ. सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सो हम यूज कैसे करते हैं, दे कंप्लीट देयर होमवर्क देम सेल्फ. सीता कुक्स फूड हर सेल्फ, हिज फादर वेंट टू स्कूल हिम सेल्फ, दे ब्रोक देयर बैट देम सेल्फ. तो इन सब चीजों में क्या है, सेल्फ लगा हुआ, ये सब के सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन हमारा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन. इम्फैटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, चूंकि इसके अंदर हम ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं. हालांकि ये भी बिल्कुल सेल्फ वाले ही होते हैं, इसे कोई अलग से नहीं होता है, यूज के अकॉर्डिंग पूरा अलग हो जाते हैं. कैसे, लेट्स सी. सो इंटेंसिव या इम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं, इस ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं. जैसे आई का आई माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, यू योर सेल्फ. लेकिन इसका जो यूज होता है सेंटेंस में रखते कहाँ है, इसी बिना पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अलग हो जाते हैं. कैसे, यानी सब यानी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाते हैं. जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ये किया, मैंने खुद ये किया. शी ब्रोक द जग हर सेल्फ, अगर हम ये सेंटेंस कहेंगे तो यहां पर क्या है, उसने जग खुद तोड़ा. लेकिन अगर हम ये कहें शी हर सेल्फ ब्रोक द जग, उसने खुद ये जग तोड़ा, तो यहां पर क्या है, ज्यादा जोर पड़ रहा है, हम ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं. तो ये किस पोजिशन में आता है या किस जगह पर रखा जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में. यानी जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे इम्फैटिक प्रोनाउन. अब कोई भी हम यूज कर सकते हैं, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ये किया है. दे देम सेल्फ ब्रोक द वॉल, उन्होंने खुद दीवार तोड़ी. यानी अगर सब्जेक्ट के अगर बाद में यूज होंगे तो क्या कहलाएंगे, इंटेंसिव और इम्फैटिक प्रोनाउन. होप आई एम क्लियर. So in this way, the lecture is over. And now if you have any query, any feedback or any suggestion, please drop your comment in the comment box. Thank you. Have a nice day. See you in the next lecture.